हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज सिलाई क्लास का क्लास 4 है। आज मैं आपको मेज़रमेंट टेप के बारे में बताऊंगी। कि 1 इंच, 2 इंच, 1.25 इंच, 1.25 इंच हम किसको बोलते हैं। सबसे पहले हमें सिलाई स्टार्ट करने से पहले मेज़रमेंट टेप की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरफ सेंटीमीटर है, टोटल इंची टेप में 152 सेंटीमीटर होता है, 152 सेंटीमीटर, और इंच 60 इंच होता है। एक तरफ इंच होता है, एक तरफ सेंटीमीटर होता है। देखिए, तरफ सेंटीमीटर है और 1 मीटर कपड़ा हम कैसे नापते हैं, हम कैसे समझेंगे कि 1 मीटर कितना होता है। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर कपड़ा। तो 100 का कितना इंच हो जाएगा, देखिए 100 सेंटीमीटर, और इस तरफ हम इसे इंची टेप को पलटेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 39.5 इंच, 40 से 2 पॉइंट कम हमारा होता है 1 मीटर। हमें जब भी अपना कपड़ा नापना है तो 1 मीटर इस तरह से हम नाप सकते हैं। ये पूरा इंची टेप 1.5 मीटर का होता है। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ 1 इंच हुआ, फिर यहाँ से 2 इंच हुआ, यहाँ 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, ये 1-1 इंच हुआ, और ये बीच में जो लाइन है ये कितना हुआ, 0.5 इंच। लंबी वाली लाइन से लेकर छोटी वाली लाइन तक 0.5 इंच हुआ, और दोनों बड़ी वाली लाइन मिलाकर कितना हुआ, 1 इंच। अब हम समझेंगे 0.25 इंच किसको बोलते हैं। देखिए, इसमें 0.5 इंच में 2 पॉइंट और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया हमारा, 0.25 इंच। अब 1.25 इंच किसे बोलते हैं, 1.25 इंच जैसे 2 इंच है, 1 इंच में 2 पॉइंट और ऐड कर दिए तो हो गया 1.25 इंच। यहाँ तक हमारा 1.25 इंच हो गया। और यहाँ कितना हो गया, ये वाला 1.5 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 इंच हो गया। इधर हो गया 1 सेंटीमीटर। देखिए, 1 सेंटीमीटर के बीच में जो लंबी वाली लाइन है वो हो गया 0.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये सब आप अपनी कॉपी में, डायरी में लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहेगा कि 1 इंच, 1.5 इंच हम किसे बोलते हैं। अगर आपने सिलाई क्लास 1 से वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। अब देखिए, 0.5 मीटर कैसे समझेंगे हम कि 0.5 मीटर कितना होगा। तो हम 39.5 इंच का 0.5 करेंगे तो 19.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो ये कितना हो गया हमारा, 0.5 मीटर।